जी नमस्कार सब किसी को, मैं अभी अंधेरी स्टेशन पे हूँ। ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि गवर्नमेंट जो कर रही है ये सबके पास जाए। गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया। मैं घर वालों को छोड़ने अंधेरी आया स्टेशन। टिकट पहले से था, पता होता लॉकडाउन है तो मैं शायद टिकट कैंसिल करता। टिकट पहले से था, मैं लॉकडाउन में आया यहाँ पे, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं था। मैंने काउंटर पे बोला क्या करेंगे, उन्होंने बोला सर रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, वो लोग जाने देंगे। मैं आगे आया, मैं ब्रिज के ऊपर से जब आया वहाँ पे दो CRPF वाले और एक TT थे। मैंने उनसे बोला कि सर फैमिली है, लगेज ज़्यादा है, मुझे ड्रॉप करना है, आप देख सकते हो पसीना मेरा। उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए और जल्दी आ जाइएगा, रिक्वेस्ट कर। जब नीचे आया तो 3-4 पुलिस वाले और एक रेलवे का बंदा, एक रेलवे का TC, जिससे मैं रिक्वेस्ट किया कि सर ज़रूरी है मुझे, ड्रॉप करके मैं चला जाऊँगा। फोर्सली उन्होंने बदतमीज़ी की, पूरे धौस दिखाए अपने। मैं रिक्वेस्ट किया फिर भी नहीं माना, या तो आप यही लगेज छोड़ के जाइए या फिर फाइन भरिए। जब गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म टिकट बंद किया और आपके बंदे बोल रहे हैं आप रिक्वेस्ट कर चले, फिर फाइन कैसा? और 50 rupees का प्लेटफॉर्म टिकट होता है, मैंने ये 300 का फाइन भरा है। मुद्दा 300 का नहीं है, मुद्दा है ये बदतमीजी का। मैं पहली बार शेयर करने को वीडियोस बोलूंगा, इतने वीडियोस आप शेयर कीजिए कि एटलीस्ट अपने बदतमीजी के लिए। ये बंदा मुझे जेल 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 कर रहा था, चौकी बैठाने जा रहा था। बात मेरे ईगो पे आ गई थी, 300 मैंने पे किया। 300 इज़ नॉट अ बिग इशू, मुद्दा है इनके बदतमीजी का। ये लोग जिस तरीके से पब्लिक से ट्रीट कर रहे हैं, और इसका टिकट का नंबर है जो इसने फाइन में, अपना नाम बताओ। तो नाम तो नहीं बताया इसने, H022-9426। मैं कल शायद कंप्लेंट भी करूँगा इसके खिलाफ, और मैं चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो कर रही है आप लोग शेयर करो कि ये क्या धांधली चल रहा है, कि कोरोना के नाम पे से पैसे कमाए जा रहे हैं। आप प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर रहे हो और उसके बाद आप बोल रहे हो आप रिक्वेस्ट करके चले जाना, ड्रॉप करके आ जाओ, कूल ही नहीं है प्लेटफॉर्म पे, कुछ नहीं है, और उसके बाद फाइन कर रहे हो। इस तरह से द वे अंधेरी स्टेशन, सर अंधेरी स्टेशन पे, अभी अंधेरी स्टेशन पे कांड हुआ है। कोरोना के नाम पे सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है और कुछ नहीं। मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं ड्रॉप करके चला जाऊंगा, टिकट नहीं मिल रहा है, आप प्लेटफॉर्म का टिकट दे दो, तो नो फाइन भरो या फिर अंदर चलो। सो दिस इज द वे, ये तरीका है गवर्नमेंट सर्वेंट का बात करने का। ये टिकट है, ये फाइन है, प्लेटफॉर्म टिकट बंद करके और उसके बाद रिक्वेस्ट करके आप चले जाना। पुली नहीं है रेलवे स्टेशन पर, और उसके बाद 300 का फाइन। 300 इज नॉट अ बिग इशू, मुद्दा इनके जब मेरे जैसे लोगों के साथ ये ट्रीट कर रहे हैं, तो ये बाकी लोगों के साथ, बाकी जो यूपी बिहार जा रहे होंगे उनके साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। ये मेरे सामने डांट के भगा रहा है, मतलब वो बंदा TC नहीं, लग रहा है कि रेलवे का बाप है वो। मैं चाहता हूँ कि ये रेलवे मिनिस्टर तक ये वीडियो पहुंचे। जब आप फाइन कर रहे हो 300 को, तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट बंद नहीं करना चाहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे खींच रहे हैं, पैसे ऐड रहे हैं पब्लिक से, कभी कोरोना के नाम पे, कभी वैक्सीन के नाम पे। अगर इतना ही गवर्नमेंट को है और वैक्सीन सक्सेसफुल, तो वैक्सीन फ्री में दो यार। ये
तुम म्यूनसिपल हॉस्पिटल फ्री में दे रहे हो, बाकी जगह तुमको 250 रुपये लग रहे, क्यों लग रहे हैं? सबको फ्री में बांटो, सिर्फ पैसे कमाए जा रहे हैं और कुछ नहीं। एक लेडीज लगेज लेके यूपी बिहार जाने वाली कोई फैमिली अपने लगेज लेके कैसे ट्रेन में सफ़र कर सकती है, कैसे ट्रेन में बैठ सकती है? मैंने यही बोला कि सर आपकी फैमिली के साथ आएगा, जो आएगा अभी अभी फाइन, नहीं तो जाओ निकलो यहाँ से। चलिए ट्रेन आने वाली है, मैं लगे शिफ्ट करके फिर कंप्लेंट करता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.